गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मेरा दूसरा दिन एग्जाम का। आज मेरे सबसे पहले मेफा का एग्जाम होगा और उसके बाद ईएमई का एग्जाम होगा, जिसको देने के बाद आज भी मैं व्यास फ्री। पर आज थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, डर भी लग रहा है क्योंकि मेफा एकदम नया सब्जेक्ट है। मेफा मतलब मैंने कभी पहले पढ़ा नहीं है। हमारे मतलब टेंथ क्लास में SST होती थी ना, सोशल साइंस, शायद तक उसकी तरह ही है मेफा। क्योंकि मेफा में जो मैंने पहले डेफिनेशन पढ़ी थी ना, पहली डेफिनेशन किसकी थी यार, हाँ इकोनॉमिक्स की, तो उसमें था इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ सर्विसेज। तो सोशल स्टडी है, तो ये थोड़े टफ पेपर, ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो आज देखना होगा इसका पेपर कितना हार्ड होता है। आज मैं सबसे पहले जा रहा हूँ क्योंकि ये देखो अभी बहुत टाइम पड़ा है। पर वहाँ पे मैं पहले मिंदर जाऊंगा क्योंकि मिंदर में वो मैंने कल सर को पौधा दिया था ना, वो हमने मिंदर में ही लगा दिया था। तो उस पौधे को देखना है कि हाँ कितना पौधा ग्रो हुआ है, नहीं हुआ है, मतलब ग्रो तो क्या ही होगा एक दिन में, तो भी उसके हालचाल देखना तो इम्पोर्टेंट है ना। जिंदगी सवार दूं एक नहीं बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं मैं तो क्या प्यारा सा चमत्कार हूँ। भाई कोई नहीं है इधर, देखो सब कुछ सुन जान। पर सामने एक भाई आ रहा है और बताए वो शायद एक सीनियर है। ये देखो ये पूरा पूरा कैंपस। पर दोस्तों आपको एक चीज बताए, आज के पेपर की मुझे तो ज़्यादा टेंशन नहीं हुई जितने कल के पेपर की टेंशन होगी, क्यों कल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर है, उसमें कुछ नहीं आता है। और उसमें कुछ नहीं आने की एक सबसे बड़ी वजह पता क्या है, टीचर। क्योंकि उस सब्जेक्ट के जो टीचर है ना, वो हमको कहते हैं आपको क्लास में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मुझे सुनते जाओ। और इसी चक्कर में हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है उस सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि सर कुछ लिखवाते हैं नहीं और हम घर पे जाके कुछ पढ़ते नहीं है, तो इसी कारण वो क्या कहते हैं उसके नोट्स भी नहीं है हमारे पास। तो कल यूट्यूब पे 2-3 क्लास लेनी होगी, कल क्या आज ही लेनी होगी, तभी तो कल पेपर दे पाएंगे। अभी पहले मिलने जाना होगा क्योंकि भगवान को याद करना ज़्यादा ज़रूरी है। भले पढ़ाई कर लो पर भगवान को याद ना करो तो फिर वो क्या कहते हैं मतलब ही ना, बैलेंस ही ना बने। तो पहले भगवान को याद करना है और उसके बाद पौधे को देखना है कि पौधे का हालचाल कैसा है, और उसके बाद कुछ और। और अब अपने पौधे का देखने का टाइम हो गया कि हाँ हमारा पौधा कैसा है। ये रुकना, उससे पहले मैं अपने सैंडल पहन लेता हूँ वापस। ये रहा, मतलब वो हजारे का पौधा सर अपने साथ ले गए, पर ये पौधा प्यारा सा। पर यार यहाँ पे इसके पास है ना वो नहीं है ड्रिप वाली, इस ड्रिप को यहाँ होना चाहिए था, ये यहाँ पे, या फिर इस पौधे को वहाँ होना चाहिए था। पर कोई ना, यहाँ तक पानी तो आ ही जाएगा क्यों पूरी वो क्या कहते हैं जमी गिली है ना, तो वो कुछ केमिस्ट्री में एक प्रोसेस होता है यार, मैं उसका नाम भूल गया, कि वाटर है ना हाई कंसेंट, हाँ डिफ्यूजन, मतलब हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ पानी फ्लो करेगा, वो कैपिलरी करके से कुछ होता है ना टॉपिक, उसके थ्रू। तो मान लो यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन पानी की थी और यहाँ पे लो कंसेंट्रेशन थी, तो पानी उधर से इधर आ जाएगा, तो वो टेंशन ही नहीं है। आपको ये कैपिलरी वाला क्या कहते हैं टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, कॉमेंट में ज़रूर बताना। और अब मेरे पास करने को कुछ टाइम नहीं है, बस अब मैं वेट करूँगा थोड़ी देर, फिर हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और फिर मेफा का एग्ज़ाम। पहले एग्ज़ाम मेफा का दूंगा,
उसके बाद वापस फ्री होऊंगा और उसके बाद ईएमई का एग्जाम दूंगा। हमारे एक एक घंटे का टाइम होता है। तो चलो मैं अब आपसे एग्जाम हॉल में मिलता हूँ। टू आवर्स लेटर। ओ वेलकम बैक गाइस। भाई मेरा पेपर हो गया आज। और पेपर मतलब कि मस्त पेपर थे। मतलब वो उसका क्या नाम था, मैथ का पेपर ठीक ठाक। हाँ भाई आज पेपर में ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लेवल उसका हाई था, क्योंकि मेरा मैथ का ज्ञान लो था इसलिए वो पेपर मुझे हाई लगा। और उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसका पेपर आप अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, रेती पेपर है, लप्पू सा पेपर था। पेपर में तो कुछ था नहीं, एकदम सिंपल था पेपर था। पर इसमें भी एक क्वेश्चन था, ये चौथा वाला क्वेश्चन था ना टेम्परेचर करके कुछ सेचुरेशन टेम्परेचर ट्रू फॉल्स, ये वाला थोड़ा हार्ड था। पर यह ट्रू फॉल्स था तो मैं अकड़ बकड़ करके ट्रू कर गया और बाद में चैट जीपीटी से कन्फर्म किया तो वो ट्रू था। मतलब कि मेरा एकदम करेक्ट है, दोनों ट्रू थे। दोनों ट्रू थे, ट्रू था चौथा। चैट जीपीटी पे सर्च कर ले तू। हाँ तू किसी से कह, हाँ रहने दो, तू गलत है, जिद मत मेरे से। इनकी बातों पर भरोसा मत करो, मेरा सही है, एकदम ट्रू है। मैं वाला क्लियर फॉल्स है, क्लियर। अबे मेरा सही है, तू झूठ बोले। क्लियर फॉल्स है गाइस, आप सर्च करके बताना। चौथा वाला मैंने ट्रू करके आया हूँ अक्कड़ बक्कड़ से। पेपर हो गया, अब खाना खाना है। ये आज मेज में मिला है, चटनी मिली, अचार और खीरा। ये खाने के बाद में फिर से अब इलेक्ट्रिकल पढ़ना शुरू करना है। यार मुझे इलेक्ट्रिकल बहुत हार्ड है, मैं पता नहीं इतना घूम के क्यों आया था। यार टेंशन तो मुझे अब हो रही है इलेक्ट्रिकल को लेके। एसी और डीसी दो चैप्टर है, बहुत हार्ड चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में बिल्कुल पता नहीं है कि है क्या। हमें हर प्रधान सर ने कह दिया कि आप कुछ नहीं पढ़ना, आपको बस मुझे सुनना है। हम बस सर को सुनते रहे और हमारी बैंड बज गई। अब कल देखना होगा वो पेपर कितना हार्ड रहता है। तो दोस्तों बाद में मैंने खाना खाने के बाद में सोया, गेम खेला और फिर वापस हो गया। और अभी आज के 10 बजने वाले हैं, बज चुके हैं मतलब कि। और कल मेरा एग्जाम है और आज ही मेरी यहाँ पे लास्ट नाइट है, क्योंकि कल तो घर पे जाऊँगा तो घर पे आराम से सोऊँगा। भाई यार मेरा अभी तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। मैं अब है ना इंजीनियरिंग के पास सारा यूट्यूब चैनल से पढ़े स्टार्ट करूँगा। हर लेक्चर 2x में या 3x में देख के कंप्लीट कर दूँगा। तो यार अब लग रहा है कि हाँ इंजीनियरिंग बेसिक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग यार मुश्किल सब्जेक्ट है। अब देखते हैं कल पेपर कैसा होगा। अरे छोड़ो यार कल पेपर जैसा भी हो, कल तो वो क्या कहते घर जाने की एक्साइटमेंट ज़्यादा रहेगी। जल्दी से पेपर ख़त्म करो और फिर घर चले जाओ। तो ठीक, अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय।